यीशु पर मुकदमा चलत बा। अब ई आधी रात का समय रहे, उस सिपाही यीशु के महापुरोहित के घरे लेके अइले, काहे से कि यीशु से सवाल कइल चाहत रहले। पतरस दूरे से उनका पीछा करत रहलन। जब सैनिक यीशु के घर में लेके गइले त पतरस बाहर रुक के अपना के आग से गरम करे लगले। घर के भीतर यहूदी अगुआ लोग यीशु पर मुकदमा चलेले। उनकरी विरुद्ध झूठ बात के बोले के खातिर बहुते झूठन गवाह के लेखे अइले। हालांकि उ लोग का बात एक दूसरा से ना मिलत रहे, यही से यहूदी अगुआ लोग ई साबित ना कर पैले कि उ क्योनी बात में दोषी बाणे। यीशु कुछु ना कहलन। अंतिम में महापुरोहित सीधे यीशु की ओर देख के कहले कि हमके बतावा कि का तू ही जीवित परमेश्वर का बेटा हुआ। यीशु कहलन, हम हई औरी तोहन लोग हमके परमेश्वर के साथ बैठल औरी स्वर्ग से आवत कभी देखबा जा। महापुरोहित अपन कपड़ा के फाड़ लेले, काहे से कि जेवन यीशु कहलन ओ बात से बहुते खिंसाइल रहले। उ दूसर अगवन पर चिल्लाइनल, हमके ई बतावे के खातिर केवनो दूसर गवाह का जरूरत नइखे कि ई आदमी का कैले बा। तोहन लोग खुदे ही उनके ई कहत सुनला हा जा कि उ परमेश्वर का बेटा बाणे। उनकरी बारे में तोहन लोग का निर्णय बा। सब यहूदी अगुआ लोग महापुरोहित के जवाब दिहले कि उ मरला के जोग बाड़े। तब उ लोग यीशु को आँख पर पट्टी बांध दिहले, उनकरी पर थुकले, उनके मरले और उनकर मजाक उड़ेले। और पतरस जब उ घर के बाहर इंतजार करत रहले तब एगो दासी लड़की उनके देखली। उ उनसे कहली, तू यीशु के साथ रहला हा। पतरस इनकार कर दिहलन। बाद में केवनो दूसर लड़की यही बात के कहलस और फिर पतरस इनकार कर दिहलन। अंतिम में कुछ लोग कहले, हमनी क त जानत बानी जा कि तू यीशु के साथ रहला हा, काहे से कि तू दोनों जना गलील से बाड़ा जा। तब पतरस कहलन, यदि हम ए आदमी के जनती त परमेश्वर हमके श्राप द। तुरंते पतरस के ई तरह से शपथ खैला के बाद एगो मुर्गा बाग दिहलस। यीशु पीछे मुड़ के पतरस के देखलन। पतरस वहां से चल गईलन और फुट फुट के रोलन। वही समय यीशु के पकड़वावे वाला यहूदा देखलस कि यहूदी अगुआ लोग यीशु के मृत्यु दंड दिहले हा। त यहूदा बहुते दुखी भइलन और जाके अपन मर गईलन। अब ओ देश का राजपाल पिलातुस रहलन, उ रोम के खातिर काम करत रहले। यहूदी अगुआ लोग यीशु के उनकरी पास लेके गईलन। उ लोग चाहत रहले कि पिलातुस उनके मृत्यु दंड द औरी उनके मार डाले। तब पिलातुस यीशु से पूछलन, का तू यहूदियन का राजा हुआ। यीशु जवाब दिहलन, तू सहीये कहला हा, लेकिन हमार राज इहवा पृथ्वी पर का नहीं खे। यदि रही तो हमार दास हमारी खातिर लड़ाई करते। हम पृथ्वी पर परमेश्वर के बारे में सच बतावे खातिर आइल बानी। हर एक जना जे सच से प्रेम करेला उ हमार सुनित। पिलातुस कहलन कि त उ सच का ह। यीशु के साथे बात कैला के बाद पिलातुस बाहर भीड़ के पास जाके कहलन कि हम ऐसन केवनो कारण नइखी पावत कि ई आदमी मार डल्ला के जोग बा। लेकिन यहूदी अगुआ लोग और भीड़ चिल्ला के कहे कि उनके क्रूस पर चढ़ा द। पिलातुस जवाब दिहलन कि उ कुछौ गलत करे का दोषी नइखन। लेकिन उ लोग और जोर से चिल्लाए लगले। तब पिलातुस तीसरा बेर कहले, उ दोषी नइखन। पिलातुस डेरा गइलन कि उ भीड़ दंगा शुरू कर देही। यही से उ अपने सैनिक द्वारा यीशु के क्रूस पर चढ़ावे के खातिर मान गइलन। रोमी सैनिक यीशु के कोड़ा लगौले और उनके राजस्वी कपड़ा पहनौले
औरी उनकरी का पार पर काटा का मुकुट रखले। तब ऊ लोग ई कह के उनकर मजाक उड़ावे लगले कि देखा यहूदियन का राजा। मत्ती 26:57, 27:26, मरकुस 14:53 से 15:15, लूका 22:54 से 23:25, यहुन्ना 18:12 से 19, 16 से एगो बाइबिल का खिस्सा